तो आ गए आप लोग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में आपको एक मेथड बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट को एंटी हैक अकाउंट बना सकते हैं, और जो आपका पासवर्ड है ना, उसको भी आप एंटी हैक बना सकते हो, यानी कि आपका पासवर्ड हैक नहीं हो सकता, यानी कि आप अनहैकेबल पासवर्ड या अपना अनहैकेबल अकाउंट बना सकते हो दोस्तों, एक सिंपल ट्रिक्स की वजह से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया है कि आपको क्या हैकर्स आपका किस मेथड से और किस तरह से आपको पागल बना के यहाँ पर आपका पासवर्ड हैक कर लेते हैं फिशिंग के थ्रू, की लॉगिंग के थ्रू, यहाँ पर वो मेथड मैंने आपको बताए हैं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से यूजर्स होते हैं जो यहाँ पर सेट करते हैं अपना पासवर्ड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पेट्स नेम, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इनको यूज करके यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पासवर्ड को बेसिकली इनके नाम से सेट कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका नाम है सुदेश, सुदेश एट द रेट 9998, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया या फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, आप कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, तो ये सब नहीं करना है आपको। जहाँ पर आपको है ना कॉम्बिनेशन क्वालिटी रखनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको नंबर्स, सिम्बल्स, यहाँ पर अपर लोअर, अपर केस और लोअर केस, यहाँ पर दोनों का यूज करना है आपको, इन चारों का मतलब सभी चीजों का यूज करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप दोस्तों पासवर्ड का मदद लेना चाहते हो पासवर्ड क्रेकर्स की, तो इनकी भी यहाँ पर गूगल्स पे, वहाँ पर आप पासवर्ड टिप्स भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो बता रहा हूँ तो आपको वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों फिर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना दिया 08-lederjacket-by-zara, तो ये मैंने यहाँ पर सभी का मिक्स कर दिया है, यहाँ पर दोस्तों कॉम्बिनेशन यहाँ पर सभी का लगा दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपर केस भी ले रखे हैं, लोअर केस भी ले रखे हैं, सिंबल्स भी रखे हैं, ले रखे हैं नंबर्स, नंबर भी ले रखे हैं, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स भी ले रखे हैं, तो यहाँ पर सभी चीज़ का यूज़ करके मैंने यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया। ये तो दोस्तों मीडियम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अगर आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पासवर्ड है मेरा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है टेक्निकल, यहाँ पर आपका नाम बहुत कम यूज़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी आप यूज़ करना चाहते हो कि यार मुझे याद नहीं रहता, तो आप ये यूज कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट कर दिया टेक्निकल के लिए, जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक तरह एक सेकंड, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर पासवर्ड किया 8@0898TECHANI*CAL टेक्निकल, मतलब नाम के लिए यहाँ पर मैंने आपको स्पेशल कैरेक्टर लिख दिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप वीडियो को पॉज करके, यहाँ पर मैंने आपको पूरा एड लिख दिया है। जैसे कि आप इस तरह से एक एग्जांपल दे दिया है मैंने यहाँ पर मेरे लिए, तो आप मेरे हिसाब से आप इस तरह से पासवर्ड रिसेट कर सकते हो और अपने मतलब सेट कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो और अपने अकाउंट को एंटी हैकेबल बना सकते हो, यानी कि आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता। ऐसे यूज मत कीजिए hello@123, ilove@123, तो ऐसे पासवर्ड से क्या होता है दोस्तों, आपका अकाउंट जल्दी हैक हो जाता है और हैकेबल बन जाता है। तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और अपने अकाउंट की सिक्योरिटी खुद कीजिए, किसी के द्वारा मत करवाइए, और कहीं पे जाकर देख लीजिए एक बार ट्रस्टेड वेबसाइट पर आप क्लिक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जाके तो देख लीजिए दोस्तों, ताकि वो भी आपके लिए काम आ सके। वो दोनों वीडियो काफ़ी काम की है और अपने अकाउंट को एंटी हैकेबल बना सकते हो, अपने अकाउंट को पूरा सिक्योर कर सकते हो। बस आपको दो स्टेप करने हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार रिमाइंड कर देता हूँ वो दो स्टेप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप तो है यहाँ पर आपको नंबर, सिम्बल्स, अपर केस एंड लोअर केस चारों का यूज़ करना है आपको पासवर्ड सेट करने में। और दूसरा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। जैसे कि मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ मेरे यहाँ पर, मैं वीडियो ऐड कर रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम की, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपने अकाउंट्स के सेटिंग में जाते हो, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा। सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको यहाँ पर चौथे नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, तो आप इसे इनेबल करके रखिए दोस्तों। मैंने यहाँ पर इनेबल कर रखा है यहाँ पर, अगर मैं इसको ऑथेंटिकेशन ऐप भी कर देता हूँ तो जो ऐप भी होगी ना यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको दे देगी, तो मैं इसे अभी फिलहाल के लिए अभी नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा है। जैसे ही आप अपना इंस्टाग्राम कहीं पर भी लॉग इन करते हो ना, तो आपके यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाता, मतलब एक OTP डालना होता है, OTP आता है, OTP डालने के बाद ही वो आगे प्रोसीड होता है। तो ये दो स्टेप आप कर लीजिए तो आपका अकाउंट पूरा सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।